हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त मोनिका आज आपके सामने फिर से एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको पसंद आएगा। तो मैंने अपने पीस कट कर लिए हैं, तो मैं आपको इनका नाप बता देती हूँ। ये मेरे दो पीस हैं जो 8-8 इंच के हैं, और ये मैंने अपने कुछ पुराने बेडशीट के टुकड़े लिए हैं, तो ये 4 पीस हैं जो 8-8 इंच के हैं। तो ये हो गया फ्रेंड्स, ये 4 पीस हो गए, और ये मेरे 6 पीस ये हैं फ्रेंड्स, 6 पीस ये हैं। तो ये हो गए। अब इनको काट और मेरी ये पाइपिंग पट्टी है जो मैंने अच्छे तरीके से लंबी पट्टी बना ली है। तो ये हो गया, ये मेरे 2 टुकड़े हैं जो 1.5-1.5 इंच के हैं, और लंबाई इनकी 3.5 इंच है। तो मेरे ये 2 पीस ये भी हो गए फ्रेंड्स। अब हमें ऐसे बोर्ड से ये पीस कट करने हैं। तो इसकी ये जो लेंथ है ये 5.5 है, तो ये हमें इस तरीके से बोर्ड इस्तेमाल करना है। आपके पास ये बोर्ड नहीं है तो मैं आपको इसका नाप बता देती हूँ कि ये बोर्ड किस तरीके से कट करना है आपको। तो ये देखिए, मैंने एक पेच ले लिया है, ये मेरा 8 इंच का पीस है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 8-8 इंच का है तो इसको पहले फोल्ड करेंगे इस तरीके से। फोल्ड करने के बाद इसको एक बार इस तरीके से करेंगे। ये हो गया फ्रेंड्स। अब हमें इस सेंटर से इसको इस तरीके से फोल्ड करना है कि हमारा जो बिल्कुल परफेक्ट ना पाए। ये देखिए इस तरीके से, ये हो गया फ्रेंड्स। अब हमें ऐसे ही इसको नापना है, तो ये हमारा 4 इंच आ रहा है। तो 4 इंच ये हो गया और 4 इंच ये हो गया। तो मैं निशान लगा लेती हूँ, 4 इंच यहाँ पॉइंट लगा लिया है। अब हमें इसी पॉइंट से इस पॉइंट को निशान लगाना है। तो देखिए, ये अब भी यहाँ से 4 इंच तैयार आ रहा है। तो ये हो गया फ्रेंड्स। तो ऐसे ही हमें इस बोर्ड का इस्तेमाल करना है। आप इससे बड़ा लीजिए। तो ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये चीज़ मैंने बनाई है। तो देखिए, ये बोर्ड तैयार हो गया है। लेकिन इसकी लेंथ 3.5 इंच है, लेकिन हमें 5.5 चाहिए। ये मैं आपसे इसको बोर्ड बनाना आपको बस बता रही हूँ फ्रेंड्स, इस तरीके से। ऐसे ये बोर्ड तैयार हो जाता है। तो आप इसे ऐसे ही बड़े ड्राफ्ट बना लीजिए, उससे ही आप ऐसा कट करने का। और जब आप इसको कट करें तो इस तरीके से करिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि हमारा कपड़ा वेस्ट ना हो कि आपने इसे एक बार इधर लेके कट किया तो इसको फिर ऐसे पलट देंगे इस तरीके से। एक बार आप नीचे से कट करीजिए तो एक आप यहाँ ऊपर से कट कीजिए। तो मैंने ये 5.5 इंच का ये पीस ले लिया है। तो ये हो गया हमारा फ्रेंड्स। अब इसको हम करते हैं साइड में। अब आपको इसका डिज़ाइन सेट करके दिखाते हैं। तो 6 पीस मेरे ये हैं और 6 पीस मेरे ये हैं। तो मैं एक डिज़ाइन का पीस ले लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने एक डिज़ाइन तैयार कर लिया है। तो इस तरीके से हमें ये डिज़ाइन तैयार करना है। तो ये हो गया फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, अब हमें जितना हमें सिलना है उसके लिए हम पहले से ही सिलाई लगा लेंगे, पहले ही निशान लगा लेंगे। तो हमें इस तरीके से सिलना है, तो हम उसी हिसाब से इसमें जहाँ जिस जगह हम सिलेंगे पहले से ही उसमें लाइन लगा लेंगे, ताकि हमारे कपड़े में कोई छोटा बड़ा ना रहे। तो हम इसमें हमें दिखाई देगा फ्रेंड्स, तो हम 3 पीस में निशान लगा लेते हैं। तो मैं निशान लगा लेती हूँ फ्रेंड्स। पहले देखिए फ्रेंड्स, मैंने निशान लगा लिया है, और जो हमारा एक कोना आया है सिलाई का, इस पर हम डॉट बना लेंगे। तो इसका ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बाद में हमें इसी डॉट पे मशीन यहाँ पिनअप करना है, मशीन इसी पर चलानी है। तो देखिए, ये हो गया। अब मैं आपको सिलना बताती हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस तरीके से सिलेंगे। 3 पीस हमने इधर कर दिए और 3 पीस ये कर दिए।
तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको लेंगे और यहाँ से हम इसको सिलेंगे। तो हम यहाँ से पूरा सिल के पूरी सिलाई ले लेंगे। तो ऐसे ही हम, ये हो गया। फिर उसके बाद ये जब हम सिलाई ये वाली लेंगे तो ये भी हम ऐसे ही करेंगे कि हम पूरी सिलाई ले लेंगे इस तरीके से। तो हम पहले ये पीस सिल लेते हैं फ्रेंड्स, फिर आपको आगे दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये पीस तैयार हो गया है। देखिए इस तरीके से ये हो गया। अब ऐसे ही हमें ये ऊपर वाला पीस भी तैयार करना है। तो ये हो गया, तो हम इसको यहाँ नीचे कर लेते हैं। तो जैसे हमने ये सिला फ्रेंड्स, ऐसे ही हमें ये सिलना है। तो इसको भी हम इसी तरीके से सिल लेंगे। जो हमने डॉट लगाया था उसका हम लास्ट में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें इस डॉट से वो डॉट मिलाना पड़ेगा। तो हम इसको यहाँ से सिल लेंगे। सिलने के बाद ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा, और फिर हम इसको भी इसी तरीके से सिलेंगे इस तरीके से, ऐसे सिल देंगे। तो मैं ये सिल लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये पीस भी तैयार हो गया है। अब जो ये नोक आ रही है इसको हम कट कर लेते हैं। ये हो गया, ऐसे ही हम इसको भी कट कर लेते हैं। ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो डॉट है अब हम इसको ऐसे करके सिलेंगे फ्रेंड्स, इस तरीके से रख के। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक पिन लेंगे और जो ये हमारा डॉट है ये इस जगह, जो हमारी ये देखिए, ये इस जगह हमें सुई निकालनी है। इस जगह बिल्कुल कोने से कोना मिला हुआ, ऐसी हमें ये सुई यहाँ निकालनी है, इस कोने से कोना मिला हुआ। तो ये हमारा कोना तैयार हो गया इस तरीके से। तो ये हमारा यहाँ इस डॉट से डॉट मिला हुआ आएगा फ्रेंड्स। तो ये हो गया। अब हम इसको यहाँ से सिल देंगे। तो सिलने के लिए हम ये जो हमने लाइन लगाई है इसी से ही हम इसी लाइन पर सिल देंगे। तो उस डॉट का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि हमारी सिलाई उसी डॉट से निकल के जाए। तो मैं ये सिल लेती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये सिल गया है, हमने इस डॉट से ही सिलाई ली है। तो ये देखिए, मैं ओपन कर रही हूँ। तो देखिए बिल्कुल बीच से बीच मिला हुआ है, इस तरीके से हमें ये सिलना है। तो हमारा ये हो गया फ्रेंड्स। ऐसे ही हमने अपना दूसरा पीस भी तैयार कर लिया है। तो देखिए ये हमारे दो पीस तैयार हो गए हैं। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अब हम इस बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। चाहे तो आप पहले इसको कट कर लीजिए, वरना इसको आप बाद में कट कीजिएगा। तो देखिए इसी सेंटर से हमें ये सेंटर मिलाना है। तो हम देख लेते हैं फ्रेंड्स कि हमारा कहाँ ये सेंटर इस्तेमाल होगा। तो देखिए ये मैंने ये निकाल ली है, और इस तरीके से बिल्कुल कोने से कोना जोड़ दिया है। ये हमारा बिल्कुल निशान पे तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमें इस पर राउंड शेप देनी है। ये मैं गोल इस तरीके से, ये मैं पेंसिल की मदद से कर रही हूँ फ्रेंड्स। बाद में हम इसी जगह से इसको कट करेंगे। तो आप चाहे तो पेन का इस्तेमाल कर लीजिए। ये देखिए मैंने निशान लगा लिया है। आपके पास एक गोल बोर्ड ना हो तो आप प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारा गोल राउंड हो गया है। तो ऐसे ही हम दूसरे को भी कर लेते हैं, हम पर इसको हम बाद में कट करेंगे। तो ये हो गया फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, अब आप चाहे तो जो शॉपिंग बैग आते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास फ़िलहाल शॉपिंग बैग नहीं है, तो मैं इस कपड़े का इस्तेमाल कर रही हूँ, और आप इस कपड़े के अंदर भी शॉपिंग बैग इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से इसको थिक बनाने के लिए मैंने नीचे दो कपड़े बिछा लिए। ये देखिए इस तरीके से ये हो गया फ्रेंड्स, ये हमारा दो था, तो हम एक टुकड़ा और बिछा लेते हैं। अब हमारी ये चार तय हो गई हैं इस तरीके से। तो पहले हम ये वाला इसके हिसाब से कट कर लेते हैं फ्रेंड्स, ताकि कोई सिलने में कोई परेशानी ना हो, और फिर हम इसमें पिन अप कर लेंगे। इससे पिन लगाने का रीज़न ये भी है फ्रेंड्स कि हमारे कपड़े पे कपड़ा आपस में अच्छी तरीके से जॉइंट हो जाता है, जिससे कोई झोल वगैरह भी नहीं आता। तो देखिए ये हो गया, और पीछे से भी इस तरीके से कोई झोल वगैरह नहीं आया है। तो अब हम एक मैचिंग की रील से ही हम इसको सिलेंगे। तो पहले हम सीधे सीधे इस तरीके से सिल लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें डिजाइन डालना चाहते हैं, सीधे सीधे हम सिल देंगे। तो पहले मैं इसको सिल लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको सिल लिया है अच्छे तरीके से, फिनिशिंग से हमने इसका डिज़ाइन बना के इसको सिला है। तो ये हो गया फ्रेंड्स ये मैंने निशान लगा ही लिया था, आपको दिखा दिया था। अब हम इसमें भी ऐसे ही गोल राउंड का निशान लगा लेते हैं, और जो ये हमारा जितना भी ये एक्स्ट्रा है हम इसको कट कर देते हैं। तो मैं इसको कट कर लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना ये गोल राउंड में कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पट्टी को लेंगे। ये मैंने पट्टी तैयार कर ली है, जितनी बड़ी हमें चाहिएगी हम उसी हिसाब से उसको कट कर लेंगे। और ये जो पीस है हमारे, इसको हम इस तरीके से करेंगे फ्रेंड कि इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसको इस तरीके से सिल देंगे। तो इसको फोल्ड कर लेती हूँ फ्रेंड्स मैं, और मैं ये दोनों पट्टी तैयार कर लेती हूँ, ताकि हमें इस डिज़ाइन के साथ हम इस पट्टी को कंप्लीट कर सकें। तो इस तरीके से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। अब हम इस पर एक सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। तो मैं दोनों पट्टी तैयार कर लेती हूँ, और फिर हम इसको पहले हम उल्टे तरफ से इसको सिलेंगे। तो ये हमारा जो एक्स्ट्रा है उसको सबसे पहले हम कट कर लेते हैं। ये हमारा कोना है, इसको हम कट कर लेते हैं। तो ये हो गया फ्रेंड्स, सीधे उल्टे का ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से हम इसको सिल लेंगे फ्रेंड्स, पूरा राउंड राउंड करके, गोल गोल करके इसको हम सिल लेंगे। ये जो हमारा यहाँ से ये कोना है, इसको हम यहाँ से फोल्ड कर लेंगे थोड़ा इस तरीके से, और तब हम सिलेंगे इसको। फिर इसको गोल करके जो हमारा पूरा कपड़ा आ जाएगा, तो हम इस कपड़े को भी थोड़ा इस कपड़े के ऊपर चढ़ा देंगे, यहाँ थोड़ा सा आधा एक इंच इसको कपड़े को इस। तो हम इसको पहले पलट लेते हैं इस तरीके से, इसे अच्छी तरीके से। ये हो गया फ्रेंड्स, ये आ गया। अब हम इसको फोल्ड करते हैं। तो ये वाला हम पहले छोड़ देंगे, इसे हम बाद में फोल्ड करेंगे। तो हम इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं फ्रेंड। तो मैंने आपको बता ही दिया कि हमें किस तरीके से फोल्ड करना है। अगर आपको लगे कि इस पट्टी में झोल आ रहा है, तो आप इसमें बीच बीच में हल्के हल्के कट से लगा लीजिए, जिससे कि झोल नहीं आएगा, बिल्कुल फिनिशिंग से आएगा। इस तरीके से आप थोड़े थोड़े इस तरीके से कट लगा लीजिए, ताकि इसे मोड़ने में आसानी रहे। इस तरीके से आप हल्के हल्के कट लगा लीजिएगा। तो मैं इसको पहले सेट कर लेती हूँ, और फिर मैं इसको सिलती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें सिलाई लगा ली है, और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो गए हैं। अब हमें ये वाली पट्टी लेनी है, इसको फोल्ड करना है इस तरीके से, और ये हमें जहाँ हमारा ये जॉइंट आ रहा है, हमें इसी जॉइंट पे ये ऐसे लगाना है फ्रेंड्स। इस तरीके से तो हम यहाँ से इसको सिल देंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए हमारा अच्छे तरीके से पीछे से ये जुड़ गया है। देखिए तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही रोटी के रुमाल बनाइए, चपाती के रुमाल बनाइए और यूज कीजिए। और मेरी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी के लिए बाय।